हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का टाइम है, घर में सब्जी भी नहीं है। क्या सब्जी पकाऊँ सोच रही हूँ। अपने बगान में ये कलमी साग हुआ है थोड़ा बहुत, इसी को आज तोड़ लेते हैं और पकाते हैं। बाज़ार में सब्जी भी इतना महंगा है कि सप्ताह भर के लिए सब्जी खरीद के लाए, पैसा भी नहीं कमाते हो, कहाँ से खरीद के लाऊँगी। तो चलिए, कलमी साग का रेसिपी आज आप लोगों को मैं बताऊंगी। ये देखिए, हरा हरा बहुत अच्छा हुआ है। गर्मी ही से खा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन गर्मी में इसको पटाना पड़ा, अभी तो पटाना नहीं पड़ता है, पानी आ रहा है इसलिए। इतना मैं तोड़ ली साग को, अब इसे 3 से 4 बार धोएंगे अच्छी तरह से। अच्छी तरह से धोने के बाद आप इसको काट लेते हैं। मैं साग को काट ली हूँ, अब इधर गैस ऑन करके कढ़ाई गर्म हो गया है। अब इसमें तेल डालते हैं। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें मैं 4 लाल सूखी मिर्च डालूँगी। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन, प्याज, अब इसमें मैं डाल रही हूँ आलू, आलू को थोड़ा पकने देते हैं, इसके बाद साग डालेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कटा हुआ साग, कुछ देर ढक्कन लगाकर पकाएंगे। ढक्कन खोल कर फिर चला लेंगे। इसे हम हल्का आंच कर देते हैं। छोटा 1 चम्मच नमक डालेंगे। छोटा 1 चम्मच मिक्स मसाला, अब इसमें डालेंगे हम बारीक कटा हुआ टमाटर, अब
धीमे आंच में इसे हम पकने देंगे। गर्मा गर्म चावल मसूर का दाल कलमी साग आलू का भुजिया